नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। और पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आना बाकी है, अब देखना है कि उनको बेल मिलती है या फिर नहीं। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री, इनके लिए भी एक बड़ा संकट है कि इनके सरकार की भी क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी पर टीवी 9 भारतवर्ष की एक बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ है मेरे सहयोगी निधि है, करुणा है और अंजलि है, और एक मेहमानों का एक पूरा बड़ा पैनल हमारे साथ है जो इस पर चर्चा करेगा, क्योंकि आज दो इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान से ही, और दोनों, एक है पूर्व प्रधानमंत्री और एक है वर्तमान प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। तो पाकिस्तान में कुछ भी पटरी पर नहीं है। आवाम के सामने मुश्किलों का एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़ा संकट है, लेकिन वहां का पूरा सिस्टम आपस में ही लड़ रहा है। जहां तक इमरान खान का सवाल है तो उनका फिर से जेल जाना लगभग तय है। ऐसा क्यों है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस बीच टीवी 9 के पास एक्सक्लूसिव खबर है, अगले 3 दिनों में शहबाज शराफ की विदाई हो सकती है। शरीफ सरकार की छुट्टी के आसार क्यों हैं, ये खबर भी हम आपको इसी बुलेटिन में बताएंगे। इस बीच देश भर में हो रही फजीहत के बीच सेना और सक्रिय क्यों हो गई है और आगे क्या कदम लेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही देश में फिर से सैनिक शासन की आहट क्यों सुनाई दे रही है, मार्शल लॉ लग सकता है क्या, ये बताएंगे। हाल ये है पाकिस्तान में कि इमरान के मसले पर खुश शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रही है। इन सब के बीच आवाम का हाल आप खुद समझ सकते हैं, आवाम अपने हाल पर है, उसे कोई देखने समझने वाला नहीं है। अंजलि जी हाँ, तो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। और सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपको बता देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 दिन में गिर सकती है शहबाज शरीफ की सरकार, ये बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट शरीफ को कर सकता है बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए शहबाज शरीफ बर्खास्त हो सकते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब में नहीं कराया गया चुनाव, और कहा जा रहा है कि इसको लेकर के अब शहबाज शरीफ सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और ये समझते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तानी पीएम शहबाज की विदाई हो सकती है। आपको डिटेल में समझाते हैं कि पूरी खबर क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि बस 3 दिन और शहबाज की सरकार बर्खास्त। ये देखिए, 15 मई शहबाज की विदाई तय, ये क्यों कहा जा रहा है। आरोप है कोर्ट की अवमानना का, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई आप 14 मई तक आप चुनाव कराएं। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश था, पंजाब में 14 तक आप चुनाव कराएं। शरीफ ने क्या किया, चुनाव के लिए कुछ भी नहीं किया, कोशिशें भी नहीं की। अब ये देखिए, अब नियम क्या कहता है, विधानसभा डिसॉल्व होने के 90 दिन के भीतर चुनाव होना जरूरी है, यानी कि 3 महीनों के भीतर। अब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, पंजाब समेत 2 प्रांतों में चुनाव अब तक नहीं कराए। जी हां, 14 मई तक पंजाब में चुनाव हो, यह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह कहा था। आदेश के बाद भी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अभी तक चुनाव वहां पर नहीं कराया। अब सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, क्या आगे शहबाज की बर्खास्तगी होगी, क्या इलेक्शन कमीशन को फटकार लगेगी, और साथ ही साथ शहबाज की सरकार जाना क्या यह तय माना जाए। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड SP सिंह रक्षा विश्लेषक हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सबसे पहले मैं SP सिंह सर आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ इमरान खान अलग मुसीबत में, दूसरी तरफ वर्तमान सरकार के PM, उनका काउंटडाउन। देखिए, पाकिस्तान में हम सबको मालूम है कि कितने समय से, कभी 60 साल से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान आर्मी जो है वो डीप स्टेट है। हाँ। वो पूरा कंट्रोल करती है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और ये जो है, जब से बाजवा जो है पिछले, उनको आर्मी चीफ, जिनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, तो वो इमरान खान से खफा हुए, तो ये सब कुछ हुआ उसके बाद। अब जो मुनीर जो नए आर्मी चीफ हैं, उनकी इनके साथ क्या इक्वेशन है, ये किसी को मालूम नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है, पीछे से बैकग्राउंड में जो गेम खेला जा रहा है, इसका भुगतना पड़ रहा है सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को। मैं तो ये कहूंगा कि नाम है पाकिस्तान पर ये है नापाक, ये ना पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। लेकिन संदीप थापर सर, आखिर पाकिस्तान पर ये ग्रहण क्यों लगा हुआ है, कोई भी सरकार स्थिर रहती नहीं है, क्या ये सब कुछ पाकिस्तान की सेना की वजह से होता है। अभी भी इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई उसमें आपने देखा कि समर्थकों ने कैसे सबसे पहले सेना के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फौज चलाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि
फौज ने ऐसे कुछ हालात पैदा किए हैं कि पाकिस्तान का हर एक प्रधान प्राइम मिनिस्टर आज तक जो भी हुआ है अरेस्ट हुआ है किसी ना किसी चीज पे, क्योंकि जो डीप स्टेट जैसे बोला वही चलाते हैं, वही कंट्रोल करते हैं। सीधी बात ये कि अगर शहबाज सरकार भी जाती है, ठीक है आपके पास आऊंगा।